Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. उसके विपरीत शब्द है Satology. Satology means science of truth or study of truth. तो आप लोग इस वीडियो में जो आप सुनने वाले हैं, it will be a very deep analysis. आप सब उनको बहुत ही प्रेम भी करते हैं. So without delay, और इसका थोड़ा content भी आपको बता दूं, सारी predictions जिन्होंने उन्होंने की अंकित शाह जी ने have come true and I am witness to that. मैं अपने चैनल पर ही देखता रहता हूँ कि जो जो उन्होंने बोला था इंडियन अमेरिकन्स को टारगेट किया जाएगा, इट इज हैपनिंग. और वॉर का क्या फ्यूचर है अभी सभी को दिख रहा है, व्हाट इज द वॉर, हाउ इज द वॉर प्रोसीडिंग. तो विदाउट डिले लेट अस वेलकम श्री अंकित शाह. जय श्री राम. जय श्री राम. जय जगन्नाथ. सो अंकित शाह जी, इतना सारा प्रेडिक्शन, पहली बार तो पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा, इतना प्रेडिक्शन पूरा करने के बाद कैसा लग रहा है आपको? इंतजार है कुछ गलत हो जाए उसका. ग्रेट आंसर, ग्रेट आंसर. इसीलिए लोग निश्चिंत रहते हैं कि भाई गलत हो गए तो कोई बात नहीं, गलत हो गए तो हो गए, कम से कम कुछ निकले गलत. आई होप. सो आज थोड़ा सा मैं डीप भी जाऊंगा इस शो में कि जब हम सनातन इकोनॉमिक्स के नजर से दुनिया को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि कितना दिन ये कैपिटलिज्म और ये सब चलता रहेगा जो इज़म्स बना के रखे? देखिए आदित्य जी, ये सारे मॉडल्स क्योंकि बने हैं वन लाइफ कॉन्सेप्ट के ऊपर जो अब्राहमिक रिलीजन की थियोरी में से आता है, तो इनके टिकने का कोई सवाल ही नहीं है ये सारे मॉडल्स का. क्योंकि वन लाइफ का मतलब ये हो रहा है कि आपने फिर आगे का कुछ सोचा ही नहीं, एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया. जैसे मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस जब एक बार खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, फिर आपको पता ही नहीं आगे क्या करना है. तो दिक्कत यह है कि वन लाइफ वाली अब्राहमिक इकोनॉमिक्स वाले कल्चर में जहां पे आप फोकस करते हो मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, जहां पे आपको समझ में आता है कि दैट फाइनाइट वेल्थ इज वेल्थ, तो जिसने भी कैप्चर कर लिया आपको लगता है कि ये लाइफ तो निकल जाएगी, और क्योंकि ये आखिरी लाइफ है तो आपको कोई पढ़ी नहीं हुई है नेक्स्ट जनरेशन के बारे में, ना कुछ आपको पढ़ा है दूसरी किसी लाइफ के बारे में, आप सोच रहे हो नथिंग, ना आप नेशन के बारे में सोच रहे हो, ना फैमिली के बारे में, ना सिविलाइजेशन के बारे में. तो ये अब्राहमिक जो मॉब बेस्ड कल्चर है, मॉब बेस्ड ऑब्जेक्टिव की इंसेंटिव से चलता है कि एक अननोन क्राउड है उसका ग्रुप बना लिया और बस वो ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है बुक में जो लिखा है हाइपर कंजम्पशन वाली लाइफस्टाइल, क्योंकि एक ही लाइफ है तो फिर सब अभी के अभी कंज्यूम करना है आपको, राइट. तो ये जो है लाइफस्टाइल, ये इसलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि इनका तो जीवन ही 500 साल का रहा ये ऐसे देशों का, और पहले 300 सालों में उन्होंने जो भी कुछ भारत से लूटा उसी पर उन्होंने यूएस, कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया को बिल्ड करा. जो ब्रिटिश सेविंग्स एक्यूमुलेट हुई उसी का एक्सपोर्ट कर करके ये तीनों कंट्रीज बिल्ड हुई है. अब सवाल ये है कि 300 साल आपने वो कर लिया, पाउंड को चला लिया एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी, और फिर डॉलर को चला रहे हो एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी, अब इसके आगे क्या? तो उसी के सिग्नल्स आपको वेस्ट की सड़कों पे दिख रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हो कितनी कितनी प्रॉब्लम्स अब शुरू हो गई है. क्योंकि बार बार मैं बताता आया हूं कि लॉ एंड एनफोर्समेंट जो होता है एज अ पार्ट ऑफ सिविक सर्विसेज इज अ फंक्शन ऑफ करेंसी एंड टैक्सेशन. तो जब करेंसी में वो वैल्यूएशन ही नहीं होगा, टैक्सेशन के लिए प्रोडक्टिव पीपल बचे नहीं है क्योंकि आपने अब्राहमिक इकोनॉमिक्स करी जहां पे आपके बर्थ रेट चले गए, और डॉलर का इतना वेपनाइजेशन हुआ कि फैमिली इंस्टीट्यूशन आज 50-60% डिवोर्स रेट्स के साथ बर्बाद हो चुका है वेस्ट में. तो ऐसी कंडीशन में जब आपका सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस भी जाएगा तो क्या होना है सड़कों पे वो तय है, और वो सिविक सर्विसेज लॉ एंड ऑर्डर वाली फंड नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ दिस. अब क्योंकि फिर लॉ एंड ऑर्डर और क्लीनलीनेस ये सब नहीं होना है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई बचा नहीं है क्योंकि कभी करा ही नहीं था,
उस सीरियसनेस पे आपने कोर सेक्टर्स के सारे वैल्यूएशन तबाह कर दिए थे, आप प्रिंट नोट प्रिंट कर रहे थे और ईस्ट से परचेस कर रहे थे, बेसिकली चाइना का टॉर्चर कर करके बाकी सारे विश्व ने डेमोक्रेसी फ्रीडम राइट्स ये सब एंजॉय किया, डांस आर्ट कल्चर वीकेंड ऑफ वेकेशन। अब जो है वो सप्लाईज वहां से नहीं मिलनी है, चाइना मना कर रहा है डी डॉलराइजेशन के चलते। तो अब जब आप घर पे मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि चाइना के ऊपर जो आप रिपोर्ट्स निकालते थे लेबर राइट्स की और पता नहीं क्या क्या, अब वो रिपोर्ट्स आपको घर पे निकालनी पड़ेगी पोल्यूशन की और वो सब, है ना। तो अब जाके समझ आएगा कि ये फ्रीडम कैसे रहता है, बॉर्डर कैसे मेंटेन होता है, ये सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा वेस्ट की कंट्रीज को। अब जब कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं बचा ये वाली लाइफस्टाइल, तो वो इकोनॉमी जो ऑलरेडी आई थिंक वियतनाम वॉर से ही बैंकरप्ट थी, और उसी बैंकरप्टसी के चलते 15th अगस्त 1971 को गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी बंद कर दी गई, क्योंकि वो वॉर मशीनरी को फंडिंग के लिए एंडलेस प्रिंटिंग चाहिए, उसी के लिए तो फियाट डॉलर का जन्म हुआ ना 1971 में, क्योंकि इकोनॉमी बैंकरप्ट हो रखी थी वियतनाम वॉर के चलते। तो वो वॉर मशीनरी मांग रहा था कि करेंसी को फियाट कर दो तो एंडलेस प्रिंटिंग हो पाएगी, ठीक। और यूएस ने ये सीखा कहां से, यूएस ने ये सीखा यूके से, कि यूके ने क्या किया 1930 में, गोल्ड से गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी बंद कर दी थी यूके ने 1930 में, राइट, और रूपी को पैक कर दिया पाउंड से, वही फॉर्मूला अपनाते हुए 1971 में सारी करेंसीज ऑलरेडी पैक्ड थी ब्रेटन वुड्स के चलते, और गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी बंद कर दी प्रेसिडेंट निक्सन ने। तो यूके से ही सीखा है कि कैसे लूटना है। तो ये जो तो ये जो बदमाशी अब हो रखी है ये एडम स्मिथ के एक्सट्रीम कैपिटलिज्म में, जहां पे 500 साल में इन्होंने पूरे विश्व की करेंसी की आज मजाकिया हालत बना के रख दी है, कि वो करेंसी जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स में जिसका वैल्यूएशन माना जाता था, जो उतनी स्ट्रॉन्ग थी, आज पूरे विश्व की करेंसी गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के बाद चीप मेटल कॉइन्स, फिर उसके बाद पेपर, फिर पेपर के ऊपर उन्होंने बोला कि ये जो प्रिंटेड नोट है इज इक्वल टू सम आउंस ऑफ गोल्ड, ठीक है, फिर उसमें से अब गोल्ड भी हटा दिया 1971 में, अब खाली पेपर बचा, अब खाली पेपर के बाद भी इतना माउंटेन हो चुका है डेट का 34 ट्रिलियन का यूएस के सर पे, कि अब बोल रहे पेपर भी नहीं, अब खाली इलेक्ट्रॉनिक एंट्री। आदित्य जी पता है बचपन में बिजनेस करके एक गेम खेला करते थे उसमें वो प्लास्टिक का आता है ना करेंसी, मोनोपोली, 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 वो जो प्लास्टिक करेंसी नहीं आता, करेक्ट, बस करेक्ट, वो हाल हो, पूरे विश्व का वो हाल हो रखा है। इन्होंने ये एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म ने ये हाल कर रखा है, करेंसी को मजाक बना दिया है। जो रियल करेंसी गोल्ड और सिल्वर थी, वहां से उतरते 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 चीपर मेटल्स, पेपर, पेपर को फिर गोल्ड का कुछ मेजर में डाला, फिर उसको भी धीरे धीरे कम करते गए, कम करते गए, 1971 में बिल्कुल गोल्ड हटा दिया, खाली पेपर बचा, अब वो बोल रहे हैं पेपर भी नहीं, अब खाली इलेक्ट्रॉनिक एंट्री, मतलब उसको ऐसे कंप्यूटर पे आप बना के डिलीट कर सकते ये है अब्राहमिक इकोनॉमिक्स ये समरी है अब्राहमिक इकोनॉमिक्स की, 500 साल की, एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म और कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म, ये हालत कर रखी इन्होंने दुनिया की मजाक बना के, ठीक। तो अब जो है तो मतलब जब, 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 जब हवा की करेंसी हो गई तो चाइना को बोलेंगे चल तेरे को पैसा दे दिया, वो बोलेगा लेकिन मेरे को मिला नहीं, कैसे देगा वो सामान। ये जो हम आदित्य जी हंस रहे हैं ना, ये कुछ ही महीने बाद ये रियलिटी होने वाली है, के डिस्कशन होने वाला है कि भाई ये क्या चल रहा है। मतलब एक बात समझ लें कि ये डिजिटल एंट्री वाली करेंसी जब आएगी, सीबीडीसी जिसको बोलते हैं, क्योंकि जब जब आप एक्सट्रीम कैपिटलिज्म करते हो तो फिर उसको एक्सट्रीम कम्युनिज्म से उसका सॉल्यूशन लाते हैं, तो वो सीबीडीसी वही है, इट्स अ कम्युनिस्ट करेंसी, ठीक है।
क्योंकि आपने एक्सट्रीम कैपिटलिज्म करके पूरा माउंटेन ऑफ डेट खड़ा कर दिया है, अब आपको सॉल्यूशन में कम्युनिस्ट करेंसी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उसमें फटाफट से डिलीट कर सकते हो, नई एंट्री कर सकते हो। अब मुझे ये बताओ, ऐसे ऐसे सिनारियो में इंटरनेशनल ट्रेड होगा कैसे, मुझे बताओ। इसीलिए मैंने वो ट्विटर पे आई थिंक संजीव सान्याल जी को टैग करके पूछा था, हाउ लाइकली इज गोल्ड बैक्ड सीबीडीसी। ये जो संजीव सान्याल टैग करके आपने बताया, बोल रहे थे, हाँ टैग करके ये पूछा था कि हाउ लाइकली इज गोल्ड बैक्ड सीबीडीसी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज को अगर आप पेग नहीं करोगे किसी चीज से, तो आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे कैसे, मुझे ये बता दो। क्योंकि सपोज पाकिस्तान है, पाकिस्तान बोलेगा मैंने 50,000 एंट्री डिलीट कर दी, तो मुझे इतना इतना क्वांटिटी ज्यादा प्रोडक्ट दे दो, राइट? तो ऐसे तो ट्रेड हो ही नहीं सकता इंटरनेशनल ट्रेड, कि आपकी खाली इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज है। अगर खाली इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज रख दी तो कोई कभी भी क्रिएट कर रहा है, कभी भी डिलीट कर रहा है, तो आप एक्सचेंज रेट निकालोगे कैसे, ठीक है? सही बात। तो डिमांड एंड सप्लाई करेंसी का गड़बड़ा जाएगा, और ये केओस तो तय है आना, क्योंकि कभी तो डिस्कशन होना है, और रशिया से ये आ चुका है कि ब्रिक्स का नया पेमेंट सिस्टम। अब ठीक है, नया पेमेंट सिस्टम बोल रहे हैं आप, जहां पे ब्रिक्स की सारी करेंसीज, सारी मल्टीपल जितने भी मेंबर्स हैं सब ट्रेड करेंगे अपनी करेंसीज के अंदर उसी पेमेंट सिस्टम में, बेसिकली ब्रिक्स करेंसी। तो जैसे ही ये होगा तो एक बड़ा डिमांड वाला पोर्शन यूएस डॉलर का खत्म हो जाएगा, जैसे बाकी सब नेशन वहां शिफ्ट किए, राइट? तो कैसे इंटरनेशनल ट्रेड होना है, दो बंच ऑफ नेशंस अलग अलग सिस्टम में होंगे, तो आई थिंक जो कोई भी वर्क कर रहा होगा इस पे, आई एम श्योर दे मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट कि ये कैसे फिर, क्योंकि एक ऐसे एरा में जा रहे हैं जहां पे बहुत अनक्लियर होने वाला, अनचार्टर्ड टेरिटरी, ठीक? पर इतना अलाइनमेंट तो क्लियर दिख रहा है कि यूएस डॉलर को डिस्करेज करके बिटकॉइन को प्रमोट किया जा रहा है वेस्ट में, और जो ब्रिक्स वाला ब्लॉक है वो डॉलर को डिस्करेज करके लोकल करेंसीज वाला जो ब्रिक्स का फॉर्मूला बना रहे हैं। तो बेसिकली यूएस इज अलाइंड ऑन डी डॉलराइजेशन प्रोसेस, क्योंकि दोनों ईस्ट और वेस्ट दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, यूएस डॉलर को डिस्करेज करके ऑल्टरनेट सिस्टम में जा रहे हैं, वहां बिटकॉइन को पुश किया जा रहा है, यहाँ पे ब्रिक्स वाले जो फॉर्मेट बना रहे हैं, बेसिकली दोनों आके मिलने वाले हैं एक जगह पे, ठीक? तो इट इज अलाइंड, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बार बार आता है कि आप तो पहले से बोल रहे हो 2021 से कि यूएस इज अलाइंड ऑन दिस, व्हाई विल यूएस बी अलाइंड ऑन दिस? तो आप मुझे बताओ कि बिटकॉइन को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, आप मुझे आंसर दो। तो ये जो है, जिन्हें नहीं समझ में आता जियोपॉलिटिक्स किस प्रकार से बैकग्राउंड में कैसे वर्क होता है, और जो बॉडी लैंग्वेज को रीड नहीं कर सकते, ये इन लोगों की दिक्कत है जो ये गलत एनालिसिस चलाते रहते हैं। आज भी कुछ क्वेश्चंस आए थे मुझे, क्योंकि कोई कुछ बोलता है और फिर क्वेश्चंस सारे मुझे आते हैं। जैसे अभी बात चल रही थी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों के बीच पॉलिसी क्लैश है या ऐसा कुछ है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बताया जाता है कि दोनों ऑपोजिट ग्रुपिंग है, मुझे नहीं लगता। तो जो डीप स्टेट का अंडरस्टैंडिंग है या यूएस इंटरनली कैसे वर्क करता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन ऐसा क्लीन डाइसेक्शन नहीं है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अलग डायरेक्शन में जा रहा है और पेंटागन और डिफेंस अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आए, क्योंकि आपको पता है आदित्य जी, बहुत सारी चैनल पे बहुत कुछ चलते रहता है, और फिर वो क्वेश्चन सारे मेरे इनबॉक्स में डंप होते हैं, तो फिर मेरे को ट्वीट करना पड़ता है फेक एनालिसिस अलर्ट करके, क्योंकि कितनों को आप आंसर करोगे दिन भर, कि सबके इंडिविजुअल क्वेश्चन आएंगे, इसने ये बोला है, आप अब आप बताओ ये है कि नहीं है, हाउ कैन यू आंसर, तो फिर उसको ट्वीट करना पड़ता है मुझे कि फेक एनालिसिस। तो
सादा सी बात है, यूएस ऐसे फंक्शन नहीं करता। वेस्टर्न गवर्नेंस जो है उसपे बहुत ज्यादा कंपनीज का ये रहता है इन्फ्लुएंस, और ये डिस्पर्स्ड है, ऐसा नहीं है कि पूरा स्टेट डिपार्टमेंट ऑपोजिट जा रहा है। ओके, ये जो होते हैं कुछ कुछ एलिमेंट्स या अपॉइंटमेंट्स जो होती है ये पॉलिटिकली, और कुछ जो है वो कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस के हिसाब से अपॉइंटमेंट हुई रहती है, कुछ थिंक टैंक्स में से लिए गए होते हैं, तो हर एक का इंडिविजुअल ये लगता है क्लियर डाइसेक्शन नहीं है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस का। भारत की नजर से आपको शायद दिखेगा, क्योंकि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एक रोल रहा एटलीस्ट पिछले कुछ महीनों से पहले तक, कि कॉन्स्टेंटली आपको लेक्चर्स आए ह्यूमन राइट्स के ऊपर, दिस दैट, जो बंद हो चुका है। आई थिंक प्रधानमंत्री जी की विजिट से पहले ही कुछ इंटरनल अपॉइंटमेंट जो है चेंजेस हो चुके हैं, तो उसके बाद ह्यूमन राइट्स के ऊपर लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं आते। आई थिंक बहुत सारी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की लेडीज, लेडी एम्प्लॉयज जो थी, जो अब दिखाई भी नहीं पड़ती है प्राइम मिनिस्टर की विजिट के बाद, तो वो लेक्चर्स वहीं से आ रहे थे। तो ये जो है, पीपल हैव टू ऑब्जर्व इन डीप, राइट, तो आपको समझ आएगा कि क्या चल रहा है। तो ऐसे आप ब्लैंकेट सेपरेशन नहीं कर सकते कि ये ऐसे ही है या ऐसे ही है, ठीक। दूसरा आपको समझना है कि अगर आप ये समझ रहे हो कि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट या पेंटागन कंप्लीटली आपके साथ है, तो वो भी आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो टेक ट्रांसफर वाली सारी डील्स फटाफट से स्पीड अप हो चुकी होती, ऐसा भी नहीं है, तो ये डाइसेक्शन गलत है। दूसरा आपको ये समझना है कि टेक ट्रांसफर जो, आई थिंक पिछले टॉक्स में भी मैंने बताया कि टेक ट्रांसफर अगर नहीं होगा तो बहुत सादा सी बात है, कुछ टाइम के बाद वही अमेरिकन डिफेंस साइंटिस्ट जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो मॉस्को में इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो वैसे भी टेक ट्रांसफर भारत को आना ही है, आप डायरेक्ट दे हो कि रशिया के थ्रू दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट इज। जहां तक सवाल, आज सुबह भी मैंने एक ट्वीट देखा था पेंटागन का, पता नहीं वापस वही LGBTQ वाला, अगर पेंटागन तक अंदर चला गया है तो फिर पता ही नहीं क्या चल रहा है। मतलब आदित्य जी मेरे तो समझ के बाहर है, कुछ एजुकेशन कैंपसेस की क्लिप्स आ रही हैं, बच्चे जो है पांव को लिक कर रहे हैं फंड रेजिंग के लिए, बोल रहे हैं अच्छी बात है, डेडिकेशन दिखा रहे हैं बच्चे, तो आई डोंट नो इनको अब क्राइम और इसके बीच, फन और गेम्स के बीच का डिफरेंस नहीं समझ में आता, पता नहीं क्या चल रहा है। 6 बच्चे मारे जा चुके हैं पिछले 45 डेज में, 1 इंजर्ड, और फिर मेरे को काउंटर होता है नहीं नहीं यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इंडियन बच्चों को नहीं मारा गया है, एक्सीडेंट था। मैंने बोला लास्ट 45 डेज में अगर 6 डेथ्स हो चुकी है, एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है, एक्सीडेंट भी था तो मुझे अरेस्ट दिखा दो या कोई एक्शन दिखा दो, राइट। अच्छा मुझे ये बता दो कितने जर्मन बच्चे मारे गए लास्ट 45 डेज में, कितने चाइनीज बच्चे मारे गए लास्ट 45 डेज में यूएस के अंदर, हाँ मुझे आंसर दो, मुझे आंसर दो, कितने चाइनीज बच्चे, कितने जर्मन बच्चे, कितने ब्रिटिश बच्चे मारे गए लास्ट 45 डेज में। मुझे मत सिखाओ कि नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक, क्योंकि मैंने तो सितंबर में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये होने वाला है, ठीक है। तो ये फालतू के काउंटर्स हैं जो इसको सीरियसली नहीं ले रहे, मैं वो बता रहा हूं, एनआरआई गैदरिंग की बारी होने वाली है, बता रहा हूं मैं बहुत क्लियर, आपको पता है आदित्य जी मैं कब, ये पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका हूं चैनल पे, वापस रिपीट कर रहा हूं, एनआरआई गैदरिंग की बारी होने वाली है गन शूटिंग की। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो सीरियसली नहीं ले रहे, वो मुझे आंकड़े दिखा दे, डेटा दे दे कि इतने चाइनीज बच्चे अटैक हुए थे लास्ट 45 डेज में, दिखा दो मुझे डेटा अगर है आपके पास तो, इतने ब्रिटिश बच्चे, हाँ इतने फ्रेंच बच्चे, इतने जर्मन बच्चे 45 डेज में 6 बच्चे मारे गए हो, दिखा दो। तो ये जो फालतू आर्ग्यूमेंट्स हैं कि नहीं नहीं अंकित जी ऐसे ही बता रहे, अंकित जी ऐसे नहीं बताते कुछ भी डेट स्टैम्प के साथ होता है अंकित जी का, जो भी होता है सोशल मीडिया हैंडल पे क्लियर डेट स्टैम्प के साथ डालता हूं मैं, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी क्लियर दे रखा था कि इनके कोई सेक्युलरिज्म है ही नहीं, मैं बता रहा हूं, एक बार आप हाईटेक लॉ एंड ऑर्डर हटा के देख लो, फिर 12 मंथ्स में ओसीटी को जरा विजिट करके देखो क्या हालत है,
ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर कभी भी क्राइम जो है ना, इसके बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहला क्राइम का पहलू ये है कि आपने फैमिली में फादर को कितना इंपॉर्टेंस दे रखा है। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल फादर का होता है। अब कुछ लोग मजाक बनाएंगे इस बात का, जहां पे भारतीय संस्कृति में बोला जाता है पति तो परमेश्वर है। अब कुछ लोग जो हैं जिन्हें ये बात समझ नहीं आती कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये अगर अगर हस्बैंड को वो रिस्पेक्ट दिया जा रहा है उस स्टेटस का, तो वो इसलिए दिया जा रहा है कि वो फादरिंग की ड्यूटीज निभाएं, उनको एज अ फादर उनका रोल उनको पता चले। वो हस्बैंड और वाइफ के लिए है ही नहीं, उन दोनों के बीच के लिए नहीं है, वो पेरेंटिंग के रोल के लिए वो रिस्पेक्ट है। और वो रिस्पेक्ट इसलिए मेंटेन होना जरूरी है क्योंकि अगर वो उस प्रकार की फैमिलीज वाली सोसाइटी में हम जाएंगे जहां पे फादर का कोई रोल नहीं है डिसीजन मेकिंग में और बच्चों की परवरिश में, तो ऐसे बच्चे निकल के आएंगे जो क्रिमिनल्स बनेंगे। इस पर मैंने 2-3 ट्वीट्स करी हैं आदित्य जी, उसमें मैंने बहुत साफ लिखा है कि जिन बच्चों के फादर एब्सेंट थे या खाली पैसे बनाने में बिजी थे या फादर है ही नहीं, उन बच्चों को क्या नुकसान भुगतना पड़ता है। क्योंकि सेल्फ कंट्रोल कभी भी मदर से नहीं आएगा, सेल्फ कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ फादर से आता है। मम्मी बेचारी चिल्लाती रहेगी 3 घंटे तक, वो बच्चा नहीं सेल्फ कंट्रोल सीखेगा, मैं बता रहा हूं। तो ये जो पति परमेश्वर वाला जो एक सोसाइटल कॉन्सेप्ट था, धार्मिक नहीं था, सोसाइटल कॉन्सेप्ट था, ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट इसलिए डिराइव किया गया था ताकि उस प्रकार के पुरुष ना आए सोसाइटी में जो अगर कोई लड़की को छेड़ रहा है तो वीडियो बनाने में बिजी हो जाए। उसको उतना तो उसका रोल और ड्यूटी पता होना चाहिए कि भाई उसको बचाने के लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए। अगर उनको वैसी सोसाइटी चाहिए जहां पे आपको मैन को उसका रोल ही नहीं पता एज अ मैन, और वो वीडियो बनाने लगेगा क्राइम का रेस्क्यू करने की जगह, तो फिर ऐसी सोसाइटी आपको मिलेगी जहां पे फिर आप बोलते रहो कि नहीं है पति परमेश्वर, तो वो उस प्रकार की सोसाइटी मिलेगी फिर आपको, राइट। तो आपको ये, क्योंकि आदित्य जी ये बदी जो है वहां से शुरू हुई है कि, और भारतीय सोसाइटी में ये था ही नहीं, क्योंकि हमारे तो वुमेन बहुत ही ज्यादा एम्पावर्ड थी इन्वेडर्स के आने से पहले। जो मैं बताता हूं कि सारे बिजनेस टाइकून्स थे हमारे वुमेन, क्योंकि वो कोर एक्टिव कोर सेक्टर्स में इकोनॉमिक्स होता था, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, स्पाइस, टेक्सटाइल, कॉटेज इंडस्ट्री, वो सब, राइट। तो सारे वुमेन डोमिनेटेड बिजनेस। हाँ, तो ये हमारी सोसाइटी में तो कभी था ही नहीं वुमेन एम्पावरमेंट वाला प्रॉब्लम। ये तो जब से पिछले 400 साल से ये एब्राहमिक इकोनॉमिक्स में जॉब मॉडल को एम्पावरमेंट बना के पेश किया गया, तब से ये सारी दिक्कतें हमारी सोसाइटी में आई है। उससे पहले कुछ था ही नहीं। इन्वेजन के टाइम, इस्लामिक इन्वेजन के टाइम, जो सती, जोहर, घूंघट और बालिका वधु हमें करना पड़ा हमारे जीवित रहने के लिए, तो ये तो हमारे था ही नहीं। दूसरा, आपको ये समझना है ये चीज कि जो मैं बता रहा था कि जिनको फादर का रोल नहीं समझ में आ रहा, तो बहुत कम एज में बच्चों के साथ जो रफ हाउसिंग होता है जिसको बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि लड़की जो है चाइल्ड उसको समझ में आए कि कब एक्शन मोड में आना है और पोजीशन कंट्रोल में लेनी है फिजिकली मेंटली, ओके। सिमिलरली लड़के को समझ में आता है वो रफ हाउसिंग से कि कौन से पॉइंट पे उसको एग्रेसिव बिहेवियर छोड़ देना है। और ये जो सेल्फ कंट्रोल की जो लर्निंग होती है, ये सिर्फ और सिर्फ फादर के थ्रू आ सकती है, मदर के थ्रू नहीं आ सकती, ओके। तो जिन्हें सोसाइटी में फादर का रोल नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा, दूसरा जो मैंने बताया कि जिस सोसाइटी में, चला एक बार में ये सब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, फॉर एग्जांपल किसी का अनफॉर्चुनेट कंडीशन में फादर नहीं है, सो फॉर देम हाउ इज टेकन केयर, लाइक व्हाट इज इट,
विच इज वाई फैमिली यूनिट होता ही इसलिए है कि अगर फादर नहीं है तो ग्रैंड फादर है या चाचा है, कोई तो है राइट, जो एटलीस्ट सम रोल वुड बी देयर राइट, पूरा एब्सेंट नहीं है ठीक, तो इसीलिए फैमिली यूनिट का इंपॉर्टेंस है। तो अचानक से तो यूएस में कैसे फैमिली टाइम का इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि वो सारे एक्सपेरिमेंट वो कर चुके, अब जाके उन्हें समझ में आ रहा है कि वो सनातन वाला ही सही था। अब बोल रहे हैं फैमिली टाइम, अब बोल रहे हैं फादर्स डे मदर्स डे, वेस्ट क्यों बोल रहा है ये सब, क्योंकि जब उनको समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा क्राइसिस है अगर ये फैमिली यूनिट नहीं रहा। तो एक चीज हमें समझनी, वही चीज जाति की है कि नुकसान हो जाने के बाद अब वेस्ट को समझ में आ रहा है तो बोल रहे हैं कम्युनिटी हेल्प सेंटर, कम्युनिटी ग्रुप्स बनाओ, है ना, क्योंकि हमारे कुल और जाति को तो भर भर के उन्होंने गालियां दे दी। अब जब रिपरकशन समझ में आया कि ये तो सारे के सारे फिर स्टेट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे अगर कुल और जाति सपोर्ट करने को नहीं रही तो क्योंकि अब स्टेट को बर्डन लेना नहीं है तो वेस्ट में अब शुरू हो गया फैमिली टाइम कम्युनिटी सेंटर, है ना, तो हमको तो भर भर के गालियां दे दी इन्होंने, वैसे ही जैसे हमको बालिका वधू पे उन्होंने गालियां दी। अब जब यूरोप में ग्रूमिंग गैंग्स छोटी बच्चियों को जो इस्लामिक रेडिकल्स परेशान कर रहे हैं, जब इनको बालिका वधू करना पड़ेगा फिर हम बोलेंगे इनको क्यों कितने ऑर्थोडॉक्स हो तुम लोग, तब हम कमेंट करेंगे इनके ऊपर राइट। तो ये सो जितनी जितनी इन्होंने बदमाशियां करी है हमारी सोसाइटी के साथ वो झेल रहे हैं उसी का रिपरकशन। तो ये एक चीज हमें समझनी होगी कि फादर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिस घर में अगर फादर का रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, आप एक बात समझ के चले कि उसका रिपरकशन किसको भुगतना पड़ेगा, वो बच्चों के फ्यूचर स्पाउस को भुगतना पड़ेगा, बच्चों को नहीं जब वो बच्चे जब उनका मैरिज होगा ना तब जाके गड़बड़ी जो है वो दिखने लगेगी, क्योंकि फादर का रोल जो उन्होंने अज्यूम करके बैठे थे, क्योंकि रिस्पेक्ट कभी किया नहीं फादर का, जब इनकी शादी होगी लड़का हो या लड़की तो उनके स्पाउस को झेलना पड़ेगा जो इम्पैक्ट उसका आता है राइट, तभी नहीं समझ आएगा जब आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो फादर की। तो और फिर मदर, तो आप हम सबको पता है मदर का तो इम्पोर्टेंस, वो तो रोल है ही, सबको ही जानते हैं, उसका तो सही से प्रोपेगेट हुआ है, लेकिन फादर के रोल का इम्पोर्टेंस अच्छे से प्रोपेगेट इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि पिछले 30 साल में जो भी स्क्रीन पे दिखाया गया उसमें सिर्फ इतना ही बताया गया कि फादर इज लाइक एन ATM राइट, तो उसका बस पेमेंट के लिए इस्तेमाल है और कुछ नहीं है, स्क्रीन पे एटलीस्ट यही दिखाया गया आदित्य जी, जिसका ये असर सोसाइटी भुगत रही है। और जितनी जितनी आगे शादियां फेल होंगी उसका कारण भी यही होगा कि फादर का रिस्पेक्ट जितना जितना फैमिली में कम होता जा रहा है, आगे आगे उतने मैरिजेस फेल होंगे, उतने ज्यादा क्राइम देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल जो मैं बताया फादर से ही आता है, तो अगर लड़के में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो वो क्रिमिनल बन सकता है, और जिस लड़की को सेल्फ कंट्रोल नहीं समझ में आता है वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके डिप्रेशन में जाने वाली है, लिमिट से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, ओके, बिकॉज शी कांट नाउ ट्रस्ट हर हस्बैंड कि ये लेगा कि नहीं लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि फादर को कभी रिस्पेक्ट दिया नहीं है, तो वो भी डिप्रेशन में जाएगी, दोनों को इंपैक्ट आएगा। तो ये चीज क्योंकि साइकोलॉजी के बच्चे, आप साइकोलॉजी के रिपोर्ट्स आपको दिखा देंगे कि जहां पे फादरलेस फैमिलीज है उसी के फ्यूचर जनरेशन में क्राइम्स बढ़ रहे हैं, देख लो आप यूएस के रिपोर्ट्स डेटा निकाल के देख लो, सिंगल फैमिली वाले जितने हैं उन्हीं के बच्चे हैं ये क्राइम्स में इन्वॉल्व, आप देख लो चेक कर लो। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको बाद में समझ आएगा कि भारतीय सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्यों इतना डेवलप होके, क्योंकि सारे हम सबसे पुराने हैं ना तो हमको सबसे ज्यादा पता है कि क्या गलती करने से क्या होने वाला है गड़बड़ राइट, तो हमारे ट्रेडिशंस जो है वो साइंटिफिकली टेस्टेड है रिजल्ट्स के साथ, इनके लिए नया है क्योंकि ये 500 साल पुराने, अभी अभी जन्म हुआ है इनका, तो इनको पता ही नहीं है, तो इनको सब प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने हैं। प्रॉब्लम ये हो चुका है कि हमारी सोसाइटी ने मान लिया कि ये लोग मॉडर्न है, एक्चुअली हम मॉडर्न थे पर इन लोग हमने समझ लिया कि ये लोग मॉडर्न, आज भी हम ही लोग मॉडर्न हैं, आज भी हम ही लोग मॉडर्न हैं। तो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज विद द सोसाइटी।
मुझे लगता है कि आपने देखा ही है कि अंबानी जी की शादी में जिस प्रकार से ये हुआ है, सनातन का प्रोपेगेशन हुआ है, हमने तो प्रेडिक्ट किया ही था। मैंने तो तब भी शो पे बता दिया था जब नीता अंबानी कल्चरल सेंटर बना कि क्यों उसको एग्जैक्टली जो यूएस कॉन्सुलेट के दरवाजे पे बनाया गया है और कोई, क्योंकि मुकेश जी को अगर कोई लैंड लेना है या कोई लैंड पार्सल पे कुछ बनाना है, पूरा भारत है, क्यों उन्होंने एग्जैक्ट वही यूएस कॉन्सुलेट के दरवाजे पे वो बनाया है? इसका सिंबलिज्म है कि आप धार्मिक एरिया में एंटर कर रहे हो, राइट? तो ये जब समझ आएगा, क्योंकि आपने देखा है कि जितनी भी हमारी सक्सेसफुल फैमिलीज हैं बिजनेस वाली, वो उनका फैमिली यूनिट स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, जबकि जितने प्रॉब्लम्स हैं वो जो जॉब कर रहे हैं उनकी फैमिली के स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है, जॉबर्स में है, लेकिन जो बिजनेस ओनर्स हैं उनका फैमिली तो एकदम से इंटैक्ट है। तो ये सक्सेस का फॉर्मूला शायद सोसाइटी को नीचे तक नहीं जा रहा है कि फैमिली इंटैक्ट रखना इंपॉर्टेंट है आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए भी। तो उसी के लिए सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में जो हम एक इकोसिस्टम बताते हैं, विच इज गोइंग टू बी द फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप एंड द मंदिर इकोसिस्टम टुगेदर, और भी तीन चार एलिमेंट्स हैं इसके साथ, बट दिस इज प्राइमरीली इम्पॉर्टेंट कि भाई आपका फैमिली यूनिट स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा। आई थिंक हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने कुछ स्कीम्स अनाउंस की है, आई थिंक आसाम में, जहां पे उन्होंने एंकरेज किया है गवर्नमेंट, आई थिंक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, कि वीकेंड में आप फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे और उसके पिक्स जो है वो पोस्ट भी करेंगे एज अ प्रूफ कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है। तो आई थिंक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और जितना भी हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अनंत अंबानी जी और वो पूरा जामनगर में टोटल 14 मंदिर नए बनाए गए उस वेन्यू पे, और 14 क्यों सिलेक्ट किया है आप जानते ही हैं, क्योंकि 14 साल का वनवास था प्रभु श्री राम का, तो 14 मंदिर बनाए गए वहां जामनगर में, और पूरे वर्ल्ड को डिस्प्ले किया गया कि मंदिर इकोसिस्टम का डेमो ऐसा होता है। और आपने देखा है कि कैसे बिल गेट्स गए जयशंकर जी के पास, जहां पे उनको वो बुक थमा दी गई, वाई भारत मैटर्स। तो होपफुली ही रीड्स दैट बुक एंड अंडरस्टैंड्स वाई भारत मैटर्स। ये मुझे लग रहा था कि बिल गेट्स वहां पे जय श्री राम बोल के निकलेगा वहां से बहुत पाप किए हैं, बहुत पाप किए हैं उसने, अभी अभी नहीं बोलेगा तो बाद में बोलेंगे। तो ये तो बहुत क्लियर है कि जब वो नीता अंबानी कल्चरल सेंटर बना, तब भी मैंने बता दिया था कि जियो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा सुनामी आने वाला है जो ये वाली नहीं, नेक्स्ट सेंचुरी में पढ़ाया जाएगा कि नीता अंबानी कल्चरल सेंटर का कितना बड़ा रोल रहा। नेक्स्ट सेंचुरी में, अभी नहीं, नेक्स्ट सेंचुरी में समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ। तो ये बड़ा अनाउंसमेंट आया है ज्वाइंट वेंचर का, रिलायंस वायाकॉम और वॉल्ट डिज्नी का, और आप जानते हैं ये वॉल्ट डिज्नी तो है ही वोकिस्ट कंटेंट वाले, और उसमें साफ लिखा गया है नीता अंबानी विल गिव द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू द जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो अब क्लैश जो है शुरू होने वाला है वोकिज्म और धर्म के बीच, और स्टार्टिंग में अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं जब वॉल्ट डिज्नी का वोकिस्ट कंटेंट LGBTQ ये सब आएगा, क्योंकि बताया ही था हमने अपने शोज में कि ये पैसों के साथ वो आइडियोलॉजीज लेके आएंगे ये लोग। तो आने दो, एक दो साल चलेगी इनकी बदमाशी जो भी है, मुझे लगता है ग्रेजुअली उन्हें भी समझ आ जाएगा कि सनातन विजडम में ही सबकी भलाई है, और हो सकता है इवेंचुअली यही से प्रोपेगेट होके वापस उनके इंस्टीट्यूशंस में भी अगर सबको बेनिफिट दिखाई देगा तो वो लोग भी हाथों हाथ लेंगे। और आप तो जानते ही हैं कि हमने प्रेडिक्ट किया है कि 2 साल के अंदर ही सारे वेस्टर्न मीडिया पोर्टल सनातन पे लिखना शुरू कर देंगे। तो ये तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे आप देखो जितने भी, आई थिंक ये प्रेडिक्शन भी 2 साल पहले दिया था कि 2030 तक सारी वेस्टर्न कंपनीज का टॉप मैनेजमेंट जो है
वो व्हाइट से एनआरआई और एनआरआई से शिफ्ट होके रेजिडेंट भारतीय, तो 2030 तक वो भी आपको दिखाई पड़ेगा, ये भी होता हुआ। अब तो वॉल्ट डिज्नी में लोग लहंगा चुन्नी कुर्ता पजामा दिख सकते हैं थोड़ी दिनों में। हाँ, तो इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने भारत टैक्स का उद्घाटन किया, और वो जो प्रेडिक्शन मैंने 6 जनवरी को दे रखा था कि फरवरी को कि बस सऊदी अरेबिया में कपड़ों में बस रंग लग जाए तो बात बन जाए, और 16 फरवरी को उन्होंने पोस्ट कर दिया सऊदी हैंडल्स से, छोटी छोटी बच्चियों ने सबने कलरफुल कपड़े पहने थे, और यूएई में तो वो एमओयू जब एक्सचेंज हुआ तो वो भी उन्होंने भी कलरफुल कपड़े पहने थे। ना सिर्फ उतना, वो लेडी ने सामने से हैंडशेक इनिशिएट किया। तो ये तो बहुत साफ है आदित्य जी एक बात कि घर वापसी का अर्थ होता है कि बिगड़ैल बच्चे घर से बाहर निकले थे और अब जेब में पैसे नहीं है, घर वापस आ रहे। ये पूरा विश्व के साथ होगा, सिर्फ हमारे साथ नहीं, ये पूरे विश्व के साथ होगा। तो इसी को मैं, आई थिंक मैं संजय जी को भी ये समझा रहा था घर वापसी वाला कॉन्सेप्ट, कि पता नहीं लोगों ने इसको क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करके बना दिया है, राइट? जब पूरा सऊदी अरेबिया और यूएई खुद अपना अपना अस्तित्व खोज रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के साथ उनका क्या कनेक्शन था, जब थाईलैंड में वो इंडियन फ्लैग्स मार्च कर रहे थे, आपने देखा? देखा, बैंकॉक में इंडियन फ्लैग्स वो बुद्ध के रेलिक्स के साथ। तो सबको पता है जो हम बता रहे हैं कि सऊदी अरेबिया से लेके लाओस कंबोडिया ऑन दी अदर साइड, और चाइना के साथ भी बहुत क्लियर मैं बता रहा हूं, दो क्लियर कंडीशंस हैं डिप्लोमेसी की, कि आप एक तो 1965 को रिवर्स करेंगे कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसका मतलब होता है आप हर एक मंदिर को रिवाइव करोगे विद इन चाइना, और जो भी आपका भारतीय एंशिएंट लिंकेज था उसको आप निकाल के पब्लिक डिस्प्ले में डालोगे इन द म्यूजियम, ठीक, कि भारतीय उपमहाद्वीप के साथ हमारा ये संबंध था। और दूसरा कंडीशन जो है 1979 का रिवर्सल, जिसका मतलब होता है कि प्योर एक्सपोर्ट्स मॉडल वो डॉलरिंग डॉलर की इनवॉइसिंग में नहीं चलेगा, और मैन्युफैक्चरिंग आपको स्प्लिट करना पड़ेगा विथ रशिया भारत एंड सम मोर 5-7 नेशंस, ठीक। तो बहुत क्लियर है, उसके बिना मुझे ये बताओ मैंने उनसे उनके साथ बैठना ही क्यों है। मेरे पास और बहुत सारे नेशंस हैं जिनके साथ मैं बायलैटरल करूंगा, है? तो पहले ये बैकग्राउंड बनाओ विद इन चाइना, फिर कुछ बैकग्राउंड बनता है बायलैटरल डिस्कशन का, वरना क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ टाइम पास है ना, मतलब कोई एजेंडा ही नहीं है भारत चाइना रिलेशंस के लिए। जब तक आप प्राइमरी माहौल नहीं बनाते, एटमॉस्फेयर सेट नहीं करते विद इन चाइना, मैंने आपके साथ क्या डिस्कस करना है, राइट? मुझे नहीं लगता जयशंकर जी इज गोइंग टू एंटरटेन एनी बायलैटरल 1-to-1 अंटिल आप पहले कुछ तो शो सम इंटेंट, नो? मतलब इस रिलेशन को आगे कहां लेके जाना है? एलएसी पे तो हम पिटाई कर लेंगे, आप करो बदमाशी, हम पिटाई करके दिखाते हैं आपको, चीखें निकलेंगी आपकी, दैट इज व्हाट एट एलएसी। अगर आपको बाकी का रिलेशन आगे लेके जाना है तो बता रहे हैं दो रिवर्सल चाहिए, 1965 का कल्चरल रेवोल्यूशन का रिवर्सल चाहिए, दूसरा 1979 का रिवर्सल चाहिए, जो आप प्रेसिडेंट कार्टर के साथ डील करके आए थे, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी इंपोज की थी चाइना में, दोनों का कंप्लीट रिवर्सल करो, मैन्युफैक्चरिंग स्प्लिट करो, वी कैन गो इनटू द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, वरना क्या डिस्कस करना है मुझे बताओ चाइना के साथ, व्हाट विल यू डिस्कस? अच्छा, एक ये अभी रिसेंटली यूएस आर्मी ने अनाउंस किया कि वो 5% कट कर रहे हैं जॉब्स में, और तो दूसरा तो पता ही, आई थिंक ये हमने डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले टॉक्स में कि फाइनेंशियल रिसेट के बाद इनका कैपेसिटी नहीं है कि वो ग्लोबल रोल निभाएंगे सिक्योरिटी प्रोविजन का, वो तो जिम्मा हमें ही उठाना है हमारे रीजियंस का। तो इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है ये बात कि मल्टीलैटरलिज्म में जहां पे आप ये जो छोटे छोटे देश हैं हमारे रीजन के जिन्हें हम हमारा छोटा भाई मानते हैं, श्रीलंका है, भूटान है, मालदीव्स है, बांग्लादेश है, नेपाल है, राइट? तो आप एक वक्त आएगा आदित्य जी जहां पे इनको तय करना पड़ेगा कि इनको फैंसी दिखना है,
फैशनेबल दिखना है तो वो इंटरनेशनलिज्म करते रहो, जहां पे उनके मूड स्विंग के हिसाब से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा जब उनका मन करेगा। आपको वैसा वाला यूनिपोलर वर्ल्ड चाहिए या मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए जहां पे आपके रीजन की हकीकत जो है वो भारत है? और कोविड के टाइम जो सप्लाई साइड के चैलेंजेस आए हैं उसमें हम साबित कर चुके हैं कि अगर कोई मदद को आना है तो वो सिर्फ भारत आना है, कोई नहीं आने वाला। ठीक, तो जहां पे हम जिस फाइनेंशियल रीसेट की बात कर रहे हैं, वेस्ट के नेशंस खुद अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तो बिजी हो जाएंगे ना, उनके पास थोड़ा टाइम है तुम्हारा हेल्प करने को। तो जितने भी रीजन के छोटे छोटे देश हैं, भूटान है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इन्हें समझना पड़ेगा कि भाई आपको फैशनेबल दिखना है तो आप इंटरनेशनलिज्म करते रहो, उनका मूड होगा तब मदद मिलेगी आपको, या तो फिर आप इंटीग्रेशन कर लो भारत के साथ, जहां पे हम हमारे छोटे भाइयों के साथ प्रॉस्पेरिटी का जो बेनिफिट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करने में हम मानते हैं, लेकिन वन वे स्ट्रीट तो नहीं होने वाली। फिर आप अकाउंटेबल हो जाओगे डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, क्योंकि आप भारत के विरुद्ध फिर वो पॉलिसीज नहीं चला सकते। ये तो बहुत जाहिर सी बात है ना, इट्स वेरी ऑब्वियस, राइट? आप एंटी इंडिया हरकतें नहीं कर सकते ना फिर उसके बाद। तो ये जो है आदित्य जी, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में जितना जल्दी आप रीजनली इंटीग्रेट होगे उतना ज्यादा आपकी इकोनॉमी सुरक्षित रहेगी। आज श्रीलंका बोल रहा है कि आपके जो टूरिस्ट आएंगे वो INR में पे करेंगे, उसी INR से हमें जो जरूरत है हम खरीद लेंगे इंडियन रुपीज में, डॉलर की कहां कोई जरूरत है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने झेला है कि IMF की क्या क्या कंडीशंस उनको पकड़ाई गई जब कभी उनको लोन की जरूरत पड़ी। पॉलिटिकल कंडीशंस मिलती है ना आपको IMF और वर्ल्ड बैंक से, ऐसे ही थोड़ी लोन मिलती है, बिल्कुल राइट? तो एक बहुत साफ चीज है आदित्य जी के मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में रीजनल पावर्स होंगे, और रीजनल पावर्स के साथ जितना आप इंटीग्रेट करोगे इकोनॉमिकली उतना आप प्रॉस्पर हो पाओगे। और भारत आज उस पोजीशन में है, हमारे तो सारे क्वार्टर और सारे ईयर के जो GDP के फिगर्स आते हैं, हम रघुराम राजन को जो है पॉइंट ब्लैंक शूट करते हैं वो नंबर्स गन पॉइंट पे। तो ये तो बहुत साफ है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है जियोपॉलिटिक्स। और आप देख ही रहे जयशंकर जी का जिस प्रकार से उनका रिस्पेक्ट और ग्लोबल स्टैचर बढ़ रहा है, तो समझ में आता है लोगों को, कंट्रीज को, कि भाई जो हम बात कर रहे थे कि भाई इंटरनेशनल बॉडीज सारी डीकोलोनाइज करो, UN को डीकोलोनाइज करो, वर्ल्ड बैंक को डीकोलोनाइज करो, IMF को डीकोलोनाइज करो, राइट? सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्रीज नहीं होगी, ये सारी इंटरनेशनल बॉडीज भी डीकोलोनाइज होगी। इट इज अ पार्ट ऑफ दैट डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस कि आप रिप्रेजेंटेशन देंगे वो सारे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को जो अभी तक आपने उनको कॉलोनी बना के उनके रिसोर्सेज लिए हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, या भारत, भारतीय उपमहाद्वीप के देश हो। तो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस तो होना ही है। जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस पीक पे होगा, मुझे लगता है कि भारत एक ही ऐसा एड्रेस है जहां पे हर कोई लीडर आके बैठ सकता है नेगोशिएशंस के लिए सब कंट्रीज के। और फाइनली जो नया ब्रेटन वुड्स होगा, अब तो कोई वर्ल्ड वॉर है नहीं, लेकिन ये जो वर्ल्ड का क्राइसिस आएगा उसके बाद जो ब्रेटन वुड्स बैठेगा वो तो भारत में ही बैठना चाहिए। अगर ग्लोबल कंसेंसस चाहिए, हमने प्रूव करके दिखाया, G20 का कंसेंसस ला के दिखाया, दिल्ली डिक्लेरेशन, जो हर कोई एक्सपर्ट बोल रहा था कि नहीं होएगा, पता है ना आपको एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे थे? पहले दिन स्टार्टिंग में ही नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस कर दिया डिक्लेरेशन इज डन। अच्छा, ये जो मेरे को बताइए, ये जो जैसे भारत में इंटरफेरेंस चलता है, लोग बोलते हैं पाकिस्तान इज ए एजेंट है, इसमें बहुत ज्यादा शोज भी हो जाते हैं कि पाकिस्तान ये अभी फार्मर प्रोटेस्ट पे हो गया, फिर रशिया ने आज बोला कि वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स, डोंट मेस विद अस, US आर्मी ने बोला कि नेटो को बोला कि गेट रेडी, वी हैव वर्ल्ड वॉर 3 इमिनेंट, नेटो को बोला, तो क्या ये सब ड्रामा है?
देखिए आदित्य जी, ये जो सारी ये पोस्चरिंग हो रही है, ओके, मुझे नहीं लगता कोई न्यूक्लियर वॉर होना है, बिकॉज प्रेसिडेंट पुतिन इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनका क्या इमेज बनाया गया वेस्टर्न मीडिया में, वही जाने वेस्ट के नेशंस, लेकिन पूरा बोगस था वो सब, और सब कोई जानता है बोगस था। तो एंड ही इज बी स्पीकिंग सो क्लियरली, वो भागते थोड़ी फिरते हैं मीडिया से, वो तो क्लियर बोल रहे हैं ना जो बोल रहे हैं। तो आई थिंक ही इज अ वेरी ऑथेंटिक पर्सन, और ये सब हो सकता है कि कुछ आगे बढ़े, इन द सेंस अगर क्राइसिस क्लोज भी करना है तो क्राइसिस आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, क्लोज करने के लिए भी तो बढ़ाना पड़ेगा। Great. और वो जो आपका एंडलेस प्रिंटिंग मशीन है वो भी तो अब थक रहा होगा क्योंकि ताइवान के लिए प्रिंट करना है, ये इसके लिए गाजा के लिए प्रिंट करना है, और यूक्रेन के लिए प्रिंट करना है, तो अमेरिकन के लिए प्रिंट करने के लिए उनके पास कैपेसिटी नहीं बची। Correct. तो आपके रेट कट्स होने नहीं वाले मामू बनाया गया आपको 2022 में के रेट कट होंगे, 2023 में रेट कट होंगे, 2024 में रेट कट होंगे, एक एकाध दो होने वाले हैं क्योंकि इलेक्शन है और छोटे होते हैं 0.25 ऐसे। हाँ वो टोकन है, इलेक्शन का टोकन, बट ये समझना है कि वो 6-7 रेट कट वाला तो सब मामू बनाने का ये था और कुछ नहीं था। और इसके बाद फिर तो रियल एस्टेट भी क्रैश होगा अमेरिका में, जितना रियल एस्टेट इज अ मेजर बिजनेस हियर। देखिए दो चीज है, कमर्शियल रियल एस्टेट तो साफ है उसमें से सारे जीरोस निकलने वाले, पहले कमर्शियल रियल एस्टेट में से जीरोस जो जाने, उसके बाद जो हम पता ही है, मैं आईटी और बैंकिंग को वो घुमा रहे हैं, कितना घुमा लेंगे देख रहे हैं। मैंने एक आज ही ट्वीट डाला है क्रेडिट स्विस वाला कि कितना डिले करोगे इसको, डेड बॉडी सोई पड़ी है आईसीयू में, कितना डिले कर पाओगे, तय है जो होना है, राइट। तो बैंकिंग का पता है, आईटी पूरा रैप अप होना है वेस्ट में, पूरा का पूरा, जो मैं जेडी समिट में बोल चुका हूँ स्टेट से लास्ट ईयर, जब लोग मना कर रहे थे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है दिखेगा आपको बहुत जल्द। तो आईटी और बैंकिंग तो गया वेस्ट का, मतलब उन लोगों का भारत पे कोई एक्सपर्टीज नहीं है लेकिन पाकिस्तान पे जरूर एक्सपर्ट है वो लोग, है ना। पाकिस्तान डज नॉट इवन फिगर, मतलब टोटली इररिलेवेंट काइंड ऑफ एन एंटिटी, उसको क्या ही आप डिस्कस करोगे, उसको तो आप लिस्ट दोगे ना, इतना कंप्लीट करो, देखो एक आज और एक अननोन गनमैन ने उठा लिया है, उनको तो आप लिस्ट दोगे क्या कंप्लीट करना है, व्हाई यू इवन डिस्कस पाकिस्तान एक्सपर्टीज, आई डोंट नो, इट्स टोटली इररिलेवेंट, ठीक है। उसको तो जो बोला जाएगा वाया सऊदी अरेबिया एंड यूएई, दे आर सपोज टू डू इट। अच्छा एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो भी देखते हैं हम लोग कि इमर्जेंस ऑफ, अच्छा बाय द वे बता दूं कि स्कॉट रिटर जैसे लोग भी अभी रशिया मूव कर चुके हैं, ठीक है, सो मेनी पीपल आर मूविंग ओवर देयर, जो लोग बड़े फैन हैं उनके तो दे शुड नो दैट। यूके का के बारे में मैं सुन रहा था, यूके के बारे में देयर इज ए इंटरनल ट्रबल ब्रूइंग इन यूके अगेंस्ट ऋषि सुनाक एंड इट इज बिकमिंग ए बिग प्रॉब्लम फॉर इंडियन ओरिजिन people in UK also. तो आपको क्या लगता है कि वहां पे भी टारगेटिंग शुरू होगा in UK? ये तो देखो पूरे वेस्ट में होने वाला है, जैसे क्राइसिस आएगा तो पूरे वेस्ट में होना ही है, इट्स वेरी क्लियर अबाउट, राइट। यूके इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन काइंड ऑफ थिंग, राइट, सबको पता है ये, क्योंकि ब्रेक्सिट के, आपको ब्रेक्सिट करने से पहले इंडिया वाला FTA साइन करने का था अगर सर्वाइव करना था तो, पर जैसे मैं बताता हूं कि वेस्ट में डिसीजन जो है वो सफेद घर में नहीं होते, कहीं और होते हैं तो ये जो है ये टाइनी सीशोर जो है नहीं बचेगा छोटा सा सीशोर जो है वो अपनी साइज के ऊपर से पंच करता है, वो जो उसकी कैपेसिटी नहीं है बिल्कुल भी। और मुझे लगता है कि वो पार्टीशन की ओर जाएगा इवेंचुअली, जो मैंने प्रेडिक्ट किया है बुक में लिख दिया था मैंने कि अल्टीमेटली पार्टीशन होना है यूके का, और पूरा यूरोप भी क्रूसेड्स की ओर जाएगा, आप देख ही रहे हो फ्रांस से लेके जर्मनी हर जगह स्ट्रीट पे जिस प्रकार के रेडिकल्स की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। और ये मत सोचना कि वाइट्स भी कोई कम है, यूरोप में वाइट्स भी फाइट, जब जब फाइट की बात आएगी ना
जब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो एक साइड से कॉल ऑफ जिहाद आता है ना, सेकेंड साइड से अभी यूनिफाइड वॉइस आता नहीं है ना कहीं से। जब यूनिफाइड वॉइस आएगा सेकेंड साइड से, तो वही क्रूसेड शुरू होने हैं यूरोप में। और अब आपने लिए हैं रेडिकल्स, तो फिर आप भुगतो जो भी है। पर अब्राहमिक इकोनॉमिक्स कर करके आप ही ने तो वुमेन को डाला था ना जॉब मॉडल में, उसके फर्टाइल इयर्स में अगर आप जॉब मॉडल में डालोगे, वो भी उसको एम्पावरमेंट बोल के। जब जॉब जो है वो मैन को एम्पावर नहीं करता, तो वुमन को कहां से एम्पावर कर लेगा। बहुत ही मतलब बेवकूफाना नरेटिव। ठीक है, तो ये फर्टाइल इयर्स में जॉब्स पकड़वा के टेम्पररी जीडीपी और टैक्स कलेक्ट करने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए और टैक्स कलेक्ट करने के लिए, जिस तरह से वेस्टर्न वुमेन को डिप्लॉय किया गया जॉब में, उसी में सारे बर्थ रेट्स जा चुके हैं। अब वो इलीगल्स कब्जा करेंगे प्रॉपर्टीज का, सादा सी बात है। देखिए हर एक जो मैं आगे भी मैंने जो फैमिली में फादर का जो इम्पोर्टेंस है वो समझाया, वापस मैं समझा रहा हूं। जहां जहां आप मैन का इंपॉर्टेंस कम करते जाएंगे, उतना उतना वुमन का सिक्योरिटी, नेक्स्ट जनरेशन वुमन का सिक्योरिटी प्रॉब्लम में आने वाला है। ये वाली नहीं, नेक्स्ट। ओके, तो आपको मैन का डिसरिस्पेक्ट करना है, आप अभी कर लोगे बड़ा मजा आएगा, बट नेक्स्ट जनरेशन वाली वुमन को जो है फेस करना पड़ेगा वो स्ट्रीट पे। क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन वाले मैन जो निकल के आएंगे, जो इस प्रकार के फादर को देखेंगे जिसका कभी रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं हुआ, वो फिर वीडियो ही रिकॉर्ड करेंगे जब क्राइम चल रहा होगा, वो हेल्प करने नहीं आएंगे। True. ठीक है ना? और ये एक्चुअली वेस्ट में भी होता है, बिकॉज ये जितना भी वुमेन इंडिपेंडेंस की बात कर ले, बहुत सारे भारतीय लोग तो कभी आए नहीं है वेस्ट में, वो मूवीज देख कर ही करते हैं। बट आदित्य जी, इसमें ऐसा है कि ये जो पूरा फेमिनिस्ट मूवमेंट जो शुरू हुआ था, एक तो जो मैं बताता हूँ कि को एडुकेशन वो लाए ही इसलिए थे क्योंकि एक ही क्लासरूम में क्यों बिठा रहे थे, वो एक ही क्लासरूम में इसलिए बिठा रहे थे क्योंकि उनको तो फैक्ट्री के लिए लेबरर्स चाहिए थे। ब्रिटेन ने जब क्लासरूम मॉडल इंट्रोड्यूस किया तो उनको तो लड़की और लड़के में कोई फर्क ही नहीं था क्योंकि वो जानवर समझ रहे थे सबको, फैक्ट्री में स्लेव्स चाहिए थे उनको, बात आई समझ में, इसीलिए वो को एडुकेशन लेके आए थे। तो उनके कोई फर्क ही नहीं था बिटवीन मैन एंड वुमन, तभी से उनका शुरू हो गया था कि कोई फर्क ही नहीं है क्योंकि आपके लिए लेबर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट जब ये लाए, तो आपको समझना चाहिए था कि पहले तो जॉब मॉडल है ही नहीं एम्पावरमेंट, पहले तो ये समझना चाहिए था, मैन के लिए भी नहीं है। जैसे ही उनको ये था ना कि कोई कॉलोनीज में आपको क्वेश्चन ना करे इंडिपेंडेंस के लिए, दैट वाज व्हाट वाज गोइंग ऑन ब्रिटेन्स हेड, के सारे 14-15 साल चार दीवारी में क्लासरूम में बैठेंगे, मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं होगा, तो जॉब के अलावा ऑप्शन बचेगा ही नहीं उनके लिए। जो दैट वाज द गोल ऑफ ब्रिटेन, के सबके सबको फिर जॉब ही करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो चार दीवारी में पैक करके क्लासरूम में। और मेमोरी टेस्ट करवाई गई जबकि मेमोरी का कोई रोल ही नहीं है। तो ये जो पूरा क्लासरूम मॉडल है वॉज नथिंग बट फेमिनाइजेशन ऑफ मेन, क्योंकि मेमोरी इज नॉट अ मैस्कुलिन फीचर। ओके, और इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है अब तो कहीं भी अवेलेबल है, तो मेमोरी का ज्यादा उतना रोल है ही नहीं रियल मार्केट में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो ये जो पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया गया फ्रॉम क्लासरूम टू जॉब्स, उसी के चलते तो आज ह्यूमैनिटी की ये दशा है, जहां पे एडम स्मिथ के एक्सट्रीम कैपिटलिज्म में 5% पॉपुलेशन के पास 90% वेल्थ हाथ में आ गई, बाकी को पता ही नहीं है कि ये पर कैपिटा जीडीपी निकाल के उल्लू बना रहे, बाकी के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। बाकी सब सैलरी ले रहे हैं, जो वेस्ट में बोल रहे हैं पे चेक टू पे चेक, ये हालत है ना। तो पर कैपिटा का नंबर चाहे कोई भी हो, राइट, पूरा वेल्थ अगर एक ह्यूमन बीइंग के पास है तभी पर कैपिटा का नंबर वही आता है कंट्री का। तो ये जो मामू बना रहे हैं पर कैपिटा और जीडीपी वाले फॉर्मूला से वेस्ट में पूरे वर्ल्ड को, तो ये सारे इंडेक्सेस भी बहुत ही बोगस है, उतने ही बोगस जितनी वेस्टर्न इकोनॉमीज। एक
ये बड़े इंटरेस्टिंग, जब अभी म्यूनिक कॉन्फ्रेंस हुई जयशंकर की और जयशंकर जी का ऑब्जर्व ORF का भी काफी रायसीना डायलॉग्स हुआ, बड़ा खुल के बात किया इस बार जयशंकर जी ने सबको खुल के और हंस हंस के बात कर रहे हैं। देयर इज नो मोर इनिबिशन नाउ। इंडियन आर्मी चीफ वाज इन USA, वो ऐसे इंस्पेक्शन कर रहे थे, उनको लग रहा था शायद इंडियन आर्मी का इंस्टॉलेशन चल रहा हो अमेरिका में, मतलब ही वाज चेकिंग एंड कमेंटिंग ऑन इट। द पेंटागन के जो US आर्मी जो चीफ है एंड द जनरल स्टाफ के, ही वाज शोइंग हिम ऑफ। ऐसा कभी हुआ नहीं, देखा नहीं कभी भी किसी भी कंट्री के साथ, यहां तक कि ब्रिटिश से भी इंडियन US आर्मी चीफ हाइड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रिटिश चीफ आल्सो। और यहाँ पे ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे कि कोई किसी को वो बता रहे हैं कि हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लाइक इट इज रिवर्सल ऑफ रोल्स। 1983 का इंदिरा गांधी का विजिट और इस बार का आर्मी चीफ का विजिट वॉज इन मेनी वेज मोर इम्पोर्टेंट इवन मोदी जीज विजिट ऑल्सो। तो ऐसा क्या चेंज हो गया सडनली दैट ये हो रहा है, देन इंडियन आर्मी, इंडियन अमेरिकन किलिंग। और जो मैंने अर्जेंसी आपको बताई कि वेस्ट के लिए अर्जेंसी अब ये है, जो स्पेशली डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि इन्होंने कभी कोई वॉर तो जीता ही नहीं, आपको पता है, क्योंकि वॉर में वो जीतने के लिए जाते ही नहीं थे, वो तो पैसे राउट करने के लिए जाते थे ना। तो पेंटागन की मतलब फेडरल रिजर्व से छप रहा है पैसा और बाजू की बिल्डिंग में डिफेंस कंपनी में जा रहे हैं और तबाह यूक्रेन हो रहा है, राइट? ये तो ये 40 साल से यही चल रहा है ना, अफगानिस्तान भी नहीं जीते हैं, राइट? तो यहाँ पे तो हमारे एक्सपर्ट्स ने तो इतना फेक एनालिसिस चलाया है, 20 साल से बोल रहे थे कि पाकिस्तान अमेरिका को मामू बना रहा है और वो कोई वॉर ऑन टेरर नहीं हो रहा और चेक लिए जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि फेडरल रिजर्व से पैसा छपके बाजू की बिल्डिंग में जा रहा है। तो वो पाकिस्तान नहीं अमेरिका को उल्लू बना रहा, वो जो डिफेंस कंपनीज है वो मामू बना रहे US टैक्स पेयर्स को। ये खेल था रिजर्व करेंसी स्टेटस का, डॉलराइजेशन का। तो ये कोई वॉर जीते ही नहीं, ना वियतनाम जीते, ना अफगानिस्तान, ना सीरिया, ना इराक, एक भी वॉर का कंक्लूजन नहीं, ना यूक्रेन, ना ताइवान का कभी होगा। देखिए कोई वॉर में कंक्लूजन नहीं आने वाला, क्योंकि जितना छाप रहे हो उतना पॉकेट में जा रहा है। तो इतना बड़ा बोगस पोंजी स्कीम है डॉलर का कि इसको जब रैप अप करेंगे और जीरोस गायब होंगे आपकी प्रॉपर्टीज से, आपके 401 के जब गायब पूरे एम्प्टी दिखाई देंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चला था। अच्छा अच्छा क्या क्या नरेटिव चला है, ब्रेन ड्रेन हुआ भारत से, सारा एक्सपर्टीज चला गया वेस्ट में, और ये लोग भी, क्योंकि एनआरआई बहुत सारे मेरे ग्रुप्स में भी है, तो मैं जब इनको बताता हूँ, भाई तुम लोग नहीं थे, ये प्रिंटिंग मशीन था। तो इनको भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि भाई हम तो 40-50 साल ऐसे जी रहे थे सोच के कि हम कुछ ज्यादा ही स्पेशल इंटेलिजेंट लोग हैं। सच में, और जैसे ही मैंने उनको बताया कि ये नहीं था भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था तुम्हारे, ये प्रिंटिंग मशीन था। क्योंकि दो ही फियाट डॉलर जो 1971 जो था उसके साथ आईटी सेक्टर का जन्म हुआ, राइट? तो ये जो है अब थोड़ा गल्फ डाउन होने में प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि इट्स अ बिग शॉक टू थिंक कि 40 साल से हम जो सोच के जी रहे थे, अब ये बच्चा छोटा सा आके बोल रहा है नहीं नहीं ये सब गलत था। तो NRIs को फील होता है कि भारतीय उनसे चिढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ कि भारतीय तुम पे दया कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है, छोड़ो ये, बिकॉज़ अच्छा, इनको जिनको ऐसा लगता है कि भारतीय उनसे चिढ़ते हैं, जरा यहाँ आके हमारे साथ कंपटीशन जरा करके दिखाना किसी भी एक्टिविटी में, हैं? वहां बैठे हो अब्राहमिक लोगों के साथ और मजे कर रहे हो प्रिंटिंग मशीन का, यहाँ आके जरा कॉम्पीट करके दिखाओ, यहाँ 11th स्टैंडर्ड क्लास के बच्चे के साथ कॉम्पिटिशन करके दिखाओ जरा, पता चले आपका है। और यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी और जितने प्रॉब्लम्स हैं वहां पे तो मजे चल रहे थे ना, क्योंकि छप छप के जितना छपेगा उतना ज्यादा क्लीनलीनेस मिलेगा, जितना छपेगा उतना ज्यादा सिविक सर्विसेज मिलेगा, जितना डॉलर छपेगा उतना ज्यादा आपको हाईटेक लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा, राइट? जरा यहाँ आके कॉम्पिटिशन करके दिखाएं जरा हमसे, पता चले।
एब्सोल्युटली ट्रू, कौन कितना इंटेलिजेंट था पता चले है? और वो सारा इनोवेशन जो डॉलर छप छप के 1% 2% लोन्स में आप जो इनोवेशन करके दिखाएं है, जब डीडॉलराइजेशन के बाद जब हम कम लोन पे कम इंटरेस्ट पे इनोवेशन करके दिखाएंगे तब जरा देखना कंपेयर करके पूरे वर्ल्ड को हमारे साथ, तब आपको पता लगेगा। तो द प्रॉब्लम इज आदित्य जी कि ये जो एनआरआईज हैं इन्होंने, मैं सबके बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड ये रहा कि वेस्ट ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ और गालियां दी भारत को भर भर के मीडिया में, जो फेक रैंकिंग्स और इंडेक्स और ये सब चला चला के, जिसके बारे में जयशंकर जी ने बात की वो कॉन्फ्रेंस में कि आप तो हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे ना, इंडेक्स निकाल निकाल के, तुम्हारा डेमोक्रेसी ऐसा है, तुम्हारा ये ऐसा है वैसा है, है? तो ये जो बदमाशियां सब एक्सपोज हो चुकी है, ये सब कुछ फेक ही था, पूरा ही पूरा फेक और बोगस था। तो अब जैसे ही उनको आई थिंक समझ आ जाएगी बहुत जल्द, नेक्स्ट 24 मंथ्स में जो जो एनआरआई डिल्यूजन में बैठे हैं, जब वो देखेंगे कि स्ट्रीट में उनको घसीट के पीटा जा रहा है बहुत सारे एरियाज में, सब स्टेट्स में नहीं लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में ये जब होगा, तो शायद उन्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सिविलाइज्ड है, कौन इंटेलिजेंट है, हा? सब समझ में आ जाएगा, किसकी करेंसी एक्चुअल करेंसी है वो भी समझ आ जाएगी। एक्चुअली the real awakening happened to Filipinos also. Filipinos का जो हालत है अमेरिका में और Mexicans का भी जो हालत है जिसको जैसे टारगेट किया गया उन लोगों को, ये they became just an object of ridicule, an object of मतलब उनको वो अभी तक Indian Americans ने face नहीं किया है, but they should remember the history. 80s का Japanese के against, है ना, 60s का Chinese के against, वो सब Indian Americans का अभी तक हुआ नहीं है. And I think that's going to start now because और सबसे बड़ी आदित्य जी जो कंप्लेन है मेरी वाली जनरेशन की NRIs के लिए, वो कंप्लेन ये है कि आप जो भी दिक्कतें बता के यहां से निकल लिए थे, रिजर्वेशन, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, ये सब दिक्कतों के चलते आप यहां से निकल लिए थे, आज जब रिफॉर्म शुरू हो चुके हैं और जब आप वहां से बैठ के हमको एडवाइस करते हो ना, हाँ, तो क्योंकि पूरा फेक नरेटिव 30-40 साल का रहा, राइट? क्राइम्स दिखाएंगे तो एब्सोल्यूट नंबर्स में दिखाएंगे, जब आप क्राइम्स पर मिलियन पॉपुलेशन दिखाओगे तो इंडिया सबसे नीचे आएगा, वेस्ट सबसे ऊपर आएगा, राइट? तो जितनी भी बदमाशियां नरेटिव्स की चली है उसके चलते अब बिल्कुल भी एक भी भारतीय मेरी जनरेशन वाला एडवाइस सुनने को तैयार नहीं है रिफॉर्म्स के बारे में वेस्ट से, चाहे वो एनआरआई हो या कोई भी हो, बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है, जीरो टॉलरेंस। क्यों? क्योंकि आपने जो नहीं किया वो बोझ हम पे आया है और वो रिफॉर्म्स का लिस्ट हम बना रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, जो रिफॉर्म आपने नहीं किया स्ट्रगल करके और भाग निकले यहां से। मैं ये नहीं कहना कि एनआरआईज आर बैड, मैं ये भी नहीं कह रहा कि NRIs are not useful at all for Bharat. You are good assets for us. But if you are going to comment like a colonial, और वहां से बैठ के हमको एडवाइस देने वाले हो कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, तुम जहां वोट कर रहे हो वहां पे जरा एडवाइस करके दिखाओ कि आपका LGBTQ, आपके बच्चों को जेंडर इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है, जरा वो स्टॉप करके दिखाओ। एक भी NRI मुझे नहीं मिला जिन्होंने इंडियन डेथ्स के ऊपर 5-6 ट्वीट्स डाली हो या कंसर्न दिखाया हो या किसी सेनेटर या यूएस कांग्रेसमैन को टैग करके पूछा हो कि ये क्या चल रहा है, मैंने बात किया है, बैठे बैठे वहां से एडवाइस कर रहे हो आप हमें कि हमारे क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, राइट? वहां तो आपका मुंह नहीं खुलता जरा भी है, आपको इलीगल्स नीचे से आ रहे हैं पूरे और आप ग्रीन कार्ड के वेटिंग लिस्ट में पड़े हो कार्टून की तरह, जरा मुंह खोल के दिखाओ है? तो ये मैं बता रहा हूं, ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं ये बहुत ही मोडेस्ट है, इसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर आएंगे वो बैंड बजाने वाले हैं, ठीक है? तो भारतीयों को छेड़ना मत, क्योंकि दिमाग जब खिसकेगा तो पड़ेगी सबको।
और मैंने तो ये ट्वीट करके लिखा है क्योंकि कनाडा में क्या बदमाशी चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों को बोला जा रहा है कि आप लिखो कि आप एसाइलम लेने आए हो रेफ्यूजी बन के, इंडिया में आपके ऊपर त्रास गुजर रहा है, आपको मारा जा रहा है, ऐसी एप्लीकेशन करो तो आपको इतने डॉलर्स मिलेंगे, ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ये चल रहा है कनाडा में। खालिस्तान का इशू आपने देख ही लिया है सैन फ्रांसिस्को में, कैसे हमारे कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ है। अगर यही हरकतें वेस्ट की चलती रही और फिर अगर आप हमें वहां से एडवाइस करने वाले हो कि यहां पे क्या होना चाहिए, तो फिर सुनने के लिए तैयार रहना, ये भारत सुनने नहीं वाला। वी कैन गिव इट बैक इन इक्वल टर्म्स, ठीक है। और अभी तो फॉरेन मिनिस्टर बहुत ही मॉडेस्ट होके चल रहे हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सारे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ओसीआई सब कैंसिल करा देंगे हम, क्योंकि ये हम कोई आपकी एडवाइस लेने नहीं बैठे इधर, ठीक। तो जहां पे वोट कर रहे हो वहां पे आप आके कमेंट करो। और जानते हैं आप आदित्य जी, बीच में अभी एक केस हुआ है निताशा कॉल कर, तो हाँ वो एनआरआई यहाँ पे ज्ञान देने आने वाली थी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो अब बिल्कुल भी वी आर जीरो टॉलरेंस मोड राइट नाउ एज अ भारतीय ऑन एनी काइंड ऑफ एडवाइजरी कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, क्योंकि आपके खुद के ठिकाना नहीं है, पहले उसको जरा ठीक कर लो, ठीक, जहां पे आप वोट करते हो। तो ये जो है, आई एम टेलिंग यू आदित्य जी, पूरा एनआरआई का लिस्ट बन रहा होगा, क्योंकि खालिस्तान एलिमेंट्स में ये इन्वॉल्व रहते हैं, फिर गॉसिप्स में इन्वॉल्व रहते हैं एंटी भारत कुछ एनआरआईस, और ये जो असाइलम और रेफ्यूजी वाले जो कैंपेन्स हैं, जो गलत स्टोरीज बनाते हैं कि भारत में कुछ लोगों को मारा जा रहा है इसलिए इनको एसआईएम दे दो, बेनिफिट दे दो, और उसमें कुछ एनआरआई ग्रुप्स इन्वॉल्व है, मैं आपको बता रहा हूँ आदित्य जी, ऐसा नहीं है कि हमारे गवर्नमेंट को पता नहीं है। वी आर गोइंग टू ट्रैक ईच वन ऑफ दीज गाइज, कैंसल आउट देयर इवेंचुअली इनके वोटर आईडी सब कुछ कैंसिल हो जाने वाले, आप जरा आके दिखाओ इधर, है ना। तो ये बहुत ही ये मैंने बहुत क्लियर टर्म्स में बताया था कि सुदर्शन चक्र घूमने वाला है, हम 100 काउंट कर रहे हैं, तो हमारे पेशेंट्स को ना टेस्ट ना करें, चाहे वेस्टर्न सिटीजन्स हो या एनआरआईज हो। और पूरा हेट चल रहा है सोशल मीडिया पे, दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ भी बोल देते हैं ये लोग, हिटलर बता रहे हैं, कोई ये बता रहा है, जिसके जो मर्जी फाये भारत के ऊपर कमेंट कर रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट डाउन लाइटली, ठीक है। आप लिखो, आप जो लिख रहे हो, बोल रहे हो, एडवाइजरी झाड़ रहे हो भारत को, आपका सब कुछ रिकॉर्ड होगा सोशल मीडिया पे, फिल्टर होके फिर एक्शन होने वाला है। थर्ड टर्म में आप रेडी रहना, वो सुदर्शन चक्र घूमेगा। राम नाम का नाम जपो और सुधर जाओ, लाइक दैट इज द मेन ऑप्शंस आपके पास है। हाँ। ये दिस इज द टू ऑप्शंस, और बिल्कुल और जो भी अपना स्टेटस का जो चर्बी है वो वहां डिपॉजिट करके ही भारत में लैंड करना है, अगर गलती से यहाँ आने को हो, शायद ऐसा ना हो कि आप भी निताशा कॉल बन जाए, है ना, तो ये इसका याद रखिए। हाँ। बिल्कुल हमें एडवाइजरी तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि वेस्ट का कबाड़ा हो चुका है, एडवाइजरी वेस्ट से तो नहीं चाहिए हमको। प्रोबेबली चाइना एंड रशिया विल गिव बेटर एडवाइजरी, इनफैक्ट पुतिन इज गिविंग मच मोर स्टेटमेंट्स अबाउट भारत, ही इज एडमायरिंग द लीडरशिप दैट वी हैव, द परफॉर्मेंस दैट वी हैव डन। अभी तो आज तो एक यूएस का भी एक रिपोर्ट आया है कि पॉवर्टी इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड। देखिए आदित्य जी, बहुत साफ बात है, सिविक सर्विसेज, क्लेनलीनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे दीज आर फंक्शन ऑफ करेंसी। जितनी करेंसी पावरफुल होती जाएगी उतना ज्यादा ये सारा ऑटोमेटिक सुधरना शुरू हो जाएगा, राइट। एक्चुअली वेस्ट में स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी थी ना, उसने बहुत कबाड़ा किया था भारत की इमेज का, उसने से झुग्गी झोपड़ियों को दिखाया इंडिया को। तो आपका फिलाडेल्फिया दिखाओ, दिखाओ फिलाडेल्फिया, दिखाओ शिकागो, न्यूयॉर्क दिखाओ, और कैलिफोर्निया जरा दिखाओ, लॉस एंजेलिस, सैन डिएगो, डाउनटाउन दिखाओ। अच्छा, बदमाशी इनकी देखना आदित्य जी, क्या आने वाला है, मैं नरेटिव आपको बता दूं, प्रेडिक्शन देता हूं आपको, क्या नरेटिव आने वाला है सुनना। ये जो इलीगल्स एंटर हुए हैं, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसा बिहेव इसलिए कर रहे, इनको आने ही नहीं देना चाहिए था, अदरवाइज एवरीथिंग वॉज गुड। अब जरा मुझे ये बताओ, हाँ ये आने वाला है नरेटिव, आदित्य जी जरा मुझे ये बताओ आप,
कि ये जो आपकी डेट बेस्ड वाली लाइफस्टाइल है अब्राहमिक इकोनॉमिक्स वाली, जहां पे आप फ्यूचर जनरेशन की पॉकेट में से पैसा चोरी करके आज खर्च कर रहे हो, ये डेट कौन भरेगा अगर इलीगल्स एंटर नहीं होंगे, क्योंकि आपके बर्थ रेट तो जा चुके हैं। ठीक बात है ना? बिल्कुल, आपके बर्थ रेट गए, तो आप जो फ्यूचर जनरेशन की पॉकेट में से पैसा चोरी करके आज डेट उठा के, डेट का मतलब यही होता है कि फ्यूचर जनरेशन पे करेगी, हमको नहीं करना है, हम तो खर्च करेंगे, राइट? तो ये जो डेट बेस्ड वाली आपकी अब्राहमिक इकोनॉमिक्स है जो आपने करी, उसमें आपके बर्थ रेट्स भी जा चुके हैं, तो बर्थ आपको देना नहीं है, तो कौन सी फ्यूचर जनरेशन पे वो डेट का बर्डन आप पास ऑन करोगे, जरा बताओ? बॉर्डर खोलनी पड़ेगी, कहां से नहीं खोलोगे बॉर्डर? बॉर्डर खोलनी पड़ेगी, डेट का बर्डन किसके सिर पे डालोगे? एक तो कंजम्पशन, हाइपर कंजम्पशन वाली लाइफस्टाइल, डेट लेके जीना है, डेट फ्यूचर जनरेशन के सिर पे डाल रहे हो, और फ्यूचर जनरेशन को जन्म देना नहीं है आपने, आपने एलजीबीटी क्यों करना है, बर्थ रेट्स आपके जा चुके हैं, तो डेट किसके ऊपर डालोगे? आपकी फाइनेंशियल सिस्टम्स आप चलाओगे कैसे, जहां जब तक नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी जिसके ऊपर आप डेट का जिसके सिर पे आप फोड़ोगे? इसीलिए बॉर्डर्स आपने खोली है, किसी के लिए ऊपर, किसी के ऊपर मेहरबानी करके बॉर्डर नहीं खोली आपने, क्योंकि आपको लेबर चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग रीसेट करने के लिए। तो ये नरेटिव आएगा आदित्य जी कुछ ही टाइम में कि आने ही क्यों दिया, देखो हमको, हम तो बहुत अच्छे लोग थे, ये लोग को क्यों अंदर आने दिया? अच्छा, आप खुद सेटलर हो, आप यूरोप से आए हो, जरा आप चले जाओ अपने घर वापस, हैं? आप क्यों नहीं चले जाते? अमेरिका छोड़ के यूरोप चले जाओ, क्यों आए हो? तो ये इनके नरेटिव नहीं चलने वाले, मैं बता रहा हूं, यू आर गोइंग टू गेट काउंटर्स, एंड इंडियंस आर वेरी गुड विद द डम्ब इंग्लिश लैंग्वेज, वी आर गुड विद द डम्ब इंग्लिश लैंग्वेज, एंड वी कैन गिव इट बैक टू यू। नहीं, एक्चुअली क्या है कि इंग्लिश में तो इनका कोई एक्सपर्टीज नहीं है, इनका एक्सपर्टीज है अमेरिकन स्लैंग्स में, मतलब किसी को गाली देना या इस तरह का, मतलब अश्लील तरह का सिंबल्स बनाना, तो लैंग्वेज के नाम का कोई सिस्टम ही नहीं है। और मतलब अमेरिकन इंग्लिश इज बेटर देन ब्रिटिश इंग्लिश, एंड ब्रिटिश इंग्लिश इज बेटर देन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, मतलब एक ही भाषा में सब एक दूसरे से बेटर है, हाउ इज इट पॉसिबल? देवनागरी में तो सभी एक जैसे ही बात करते हैं, देवनागरी अगर लिखेंगे तो सबकी, इसमें क्या है आदित्य जी? I'll tell you, ये सारी जितनी भी अब्राहमिक इकोनॉमिक्स वाली कंट्रीज हैं, इसमें आप जाओगे तो आप तो आ रहते हो, बट अगर कोई भारतीय पहली बार कोई अब्राहमिक कंट्री में पैर रखेगा तो उसको शौक लगने वाला है हर चीज का। क्या शौक लगने वाला है? कि सब कुछ स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे माउंटेन दिख रहा है तो वहां भी माउंटेन दिख रहा है, यहाँ पे रोड ऐसा दिख रहा है तो वहां रोड भी दूसरी जगह भी ऐसा ही रोड दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा पानी मिल रहा है तो वहां भी वैसा ही पानी मिलेगा, यहाँ पे घास फूस खाने को मिल रहा है वहां भी घास फूस खाने। तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अब्राहमिक माइंडसेट जो है वो कमांडमेंट्स बेस्ड है, उसको क्रिएटिविटी आ ही नहीं सकता क्योंकि वो क्वेश्चनिंग कर नहीं सकता। तो खाना भी एक जैसा, क्लाइमेट भी एक जैसा, लोग भी एक जैसे, घर भी एक जैसे, तो वी डोंट नो हाउ ब्लेस्ड वी आर कि हम भारत में जीते हैं। हर जगह, जैसे ही आप अब्राहमिक कंट्री में पैर रखोगे, आपको पाव, हर जगह पाव खाने को मिलेगा, घास फूस खाने को मिलेगा, और कुछ वैरायटी है ही नहीं क्योंकि उसमें आर्ट और साइंस लगता है ना, खाना बनाने में क्रिएटिविटी लगता है, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आ सकता। तो जिस जिस जगह जहां जहां स्टैंडर्डाइजेशन बैठ सकता है, अब्राहमिक्स बहुत अच्छे से बिठा देंगे स्टैंडर्डाइजेशन, पर जैसे ही जरा भी दिमाग यूज करने की बात आई तो खत्म है, तो खत्म, इट्स ओवर। और जो भी इनोवेशन हो पाया है वो इनोवेशन इसलिए हो पाया है क्योंकि डॉलर के रिजर्व करेंसी स्टेटस और पाउंड के रिजर्व करेंसी स्टेटस की वजह से लो इंटरेस्ट रेट लोन्स दे पाए वो, छाप छाप के, बेसिकली फ्री मनी। तो उतना फ्री मनी अगर आप यहाँ पे खाली अहमदाबाद के दो स्कूल कैंपस में दे दोगे ना, तो 50 गूगल निकल के आ जाएंगे, जिस तरह से आपने सिंगल कंट्री का छाप के इनोवेशन करा। तो बहुत जल्द इसी डायरेक्शन में जाने वाला है आदित्य जी, ये इंटरिम बजट में
फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 लाख करोड़ का कॉर्पस डाला है ऑलमोस्ट निल टू लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 50 इयर्स, 1 लाख करोड़ कॉर्पस, 1 लाख करोड़ का, तो ये और आगे बढ़ेगा थर्ड टर्म में, और जितना लो इंटरेस्ट रेट लोन्स मिलेगा ऐसा ऐसा इनोवेशन निकल के आएगा जो वेस्ट ने कभी देखा भी नहीं होगा। एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगर यहाँ पे भारतीय नहीं होते तो यहाँ पे इनोवेशन भी नहीं होता, भारतीय चाइनीज, क्योंकि कमांडमेंट्स में क्वेश्चनिंग है ही नहीं, अलाउड ही नहीं है क्वेश्चनिंग, तो क्रिएटिविटी आएगी कहां से, स्टैंडर्डाइज कर लेंगे अच्छे से। अच्छा रोड स्ट्रेट बनाना है, अच्छा पार्क बनाना है, तो वही पार्क फिर सारे स्टेट्स में वो कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ऐसे ही बनता है। दे आर गुड विद स्टैंडर्डाइजेशन, दे आर वेरी गुड विद स्टैंडर्डाइजेशन, लेआउट भी ऐसे रहता है। व्हीकल भी वो लोग कैसे चलाते हैं, व्हीकल भी वो ऐसे ही चलाते हैं, किसी और का नहीं देखना है, मुझे मेरी स्पीड मेंटेन करने की है, दैट इज हाउ, क्योंकि कंसिडरेशन ही नहीं है ना किसी और के लिए, दैट इज हाउ इट इज, पूरा स्टैंडर्डाइज्ड, इनसेंसिटिव, जीरो फैमिली, दैट काइंड ऑफ ज़ॉम्बी काइंड ऑफ कल्चर, गन के साथ कल्चर ऐड हो रहा है, राइट, वॉर के साथ इकोनॉमी ऐड हो रही है, तो क्योंकि दो ही सेक्टर है आईटी और फाइनेंस डिफेंस, राइट, तो ये अब्राहम इकोनॉमिक्स में यही होना था। चलिए थैंक यू सो मच इंकित जी, मैं तो चलता हूँ, मैं सोच सकता हूँ 2-3 घंटे हम लोग बात कर सकते हैं लेकिन धन्यवाद, लेकिन अगले शो में अंकित जी के साथ हम लोग लाइव क्वेश्चंस लेंगे, आज एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से हम लोग नहीं ले पाए लोगों का क्वेश्चंस, बट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट शो, और मैं भी रोकना नहीं चाहता था इनको, सो डू वॉच हिज, डू बाय हिज बुक्स, आप अंकित शाह को सर्च कर सकते हैं Amazon पे और उनकी बुक्स आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब चीजें प्रेडिक्शंस आपको ये ट्विटर हैंडल पे मिल जाएंगे, Ankit@IIMA, ठीक है, yes. ये ट्विटर हैंडल पे सारे प्रेडिक्शंस और पोस्ट और एनालिसिस मिल जाएंगे, और अगर कोई आप इनको डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये ईमेल इनका है, यू कैन राइट इट ओवर देयर डायरेक्टली, तो इट विल आंसर इट, हां वो सारे 401k वाले भर-भर के आ रहे हैं 2008 में वाइप आउट हुआ था, अभी होना है, तय बात है, तय बात। Thank you all very much. Jai Jagannath and thank you.